आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका। 56 साल के बाद सरकार का ध्यान किसान की ओर, कैसे मिले अधिकार और कैसे परिवार को मिला सम्मान। जर जमीन जोड़ का नहीं तो किसी और का। आइए लिए चलते हैं भरगमा प्रखंड के धनेश्वरी पंचायत भटगमा चौक के समीप पंचायत भवन के प्रांगण में। यहाँ आज बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन समिति गुड्डू कुमार यादव, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी धनंजय कुमार, कानून गो शादाब अली और इनके एसएसए धर्मेंद्र कुमार सिंह, मंटू कुमार सिंह, रविशंकर भारती, आफताब आलम, प्रिंस कुमार, मोहम्मद अल्तमस, मनीष कुमार, राजेश कुमार द्वारा किया गया और बहुत आसान शब्दों का प्रयोग कर लोगों को सर्वे के बारे में बताया और समझाया गया कि लोगों ने प्रश्न भी किए लेकिन पदाधिकारी एक एक बिंदु को सुलझाने का प्रयास करते रहे। आपको बताते चलूं कि सर्वे का नाम ही सुनकर ये समझ में आता है कि किसी भी चीज़ का सर्वेक्षण करना। इसी क्रम में बिहार सरकार का ये कदम सराहनीय है। 56 साल बाद जमीन किसके नाम से है और खतियान किसका है और अब उसका मालिकाना हक किसे मिलना है, इसी का सर्वे बहुत ही जल्द होने वाले है पूरे बिहार में। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आवाज आपका। सर्वे का मतलब ये चीज होता है कि किसी भी चीज का खोज करना, पता करना, लेकिन यहाँ पे सर्वे का मतलब ये है कि भू सर्वे मतलब कि जमीन से रिलेटेड क्या विवरण है इसका, इसके पास कितना जमीन है, क्या खाता है, गलत है सही है, इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे हम आप लोग को। जो जमीन में नक्शे में और जमीन में जो परिवर्तन हुआ है उसका भी इसमें सुधार किया जाएगा। सर्वे का काम खास तौर पर हम लोग 60-70 वर्ष पहले किए हुए थे, हुआ था, लेकिन वो हो नहीं पाया था। बिहार सरकार ने उसी सर्वे का काम फिर से करने का प्लान बनाया हुआ है, जिसमें क्या है कि खाता, खेसरा, रैयत और चौधरी सब चीज बदल जाएगा आपका, और उसको कंप्यूटर पर भी एंट्री कर दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को या आम नागरिक या फिर जो भी रैयत है उनको ये सहायता मिलेगी कि कहीं से भी कुछ भी अपने जमीन के जानकारी के बारे में हासिल कर सकते हैं भाई कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद सर्वे का ये भी एक मुख्य उद्देश्य है कि जमीन के चलते ही देखते हैं कि कितना झगड़ा, मारपीट, मर्डर तक भी हो जाता है, उसका भी निवारण सर्वे जब हो जाएगा तो कोई झगड़ा झंझट कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सर्वे करने से सभी रैयतों को एक और फायदा होगा कि इसमें किस व्यक्ति के पास कितना जमीन है, क्या सही पेपर है, क्या गलत पेपर है, किसी और का जमीन कोई और को नहीं जोत रहा, इससे ये पता चल जाएगा कि बिहार सरकार का कितना जमीन है और रैयती कितना जमीन है, ये टोटल हम लोग को क्लियर हो जाएगा। इसमें करना यह है कि जितने भी आप लोग का रैयती जमीन है, मालिकाना जमीन है, उस सब का सर्वे करते समय आप लोग अपना अपना पेपर लेकर उस खेत के पास मौजूद रहेंगे। जो भी आपके पास दस्तावेज हो या दान पत्र हो या फिर जो भी आपका पत्र साक्ष के तौर पर लेकर वहां पर मौजूद होना है, जब अमीन जाएंगे सर्वे करने के लिए उस समय आप लोग उस दस्तावेज को दिखा सके। प्लॉट वाइज सर्वे होगा। हमारे बंदोबस्त कार्य में लगे हुए कानूनगो साहब, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, संविदा अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन, इस सर्वे का क्या महत्व है, क्योंकि पहले भी 1954-55 में भी सर्वे हो चुका है, लेकिन भी सरकार सर्वे कराने जा रही है, तो यह एक जागरूकता और एक मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर दोबारा सर्वे क्यों। दोबारा सर्वे इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि जो पुराने खतियान हो गए हैं वो आपके पूर्वजों के नाम पे हैं, अब उसको आपके नाम पे बनाने की
जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि पहला काम हम लोगों का ये है कि भूमि विवाद को कम करना है। दूसरा काम आपके पक्ष में ये है कि आपको यदि लोन लेना पड़ता है तो बैंक में पूछा। आप देख रहे हैं आवाज आपका, लाइक और सब्सक्राइब करना ना जी सर। इस बार यहाँ पर आम सभा आप लोग किए हैं, इसका क्या वजह रहा है? इसका वजह यह है कि हम लोग का भू सर्वेक्षण होने जा रहा है, हर एक गांव में भू सर्वेक्षण होगा जिससे रैयतों का मतलब अपने जमीन का दस्तावेज उन लोग को पेश करना है और ये बताना है उन लोग को कि ये हमारा जमीन है, ये खाता नंबर हमारा, ये खतरा नंबर हमारा है, रकबा वंशावली ये सब जमा करेंगे और उनकी दस्तावेज की जाँच होगी और इस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई। जी धन्यवाद आप सभी।